न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, जहां फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन बच्चों ने किया है, सेकंड सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र, इंट्रोडक्शन व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज इन एन इकोनॉमी, मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसकी क्या सीमाएं हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि जो अर्थव्यवस्था है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें अंतर, और क्या इश्यूज हैं समष्टि अर्थशास्त्र के। तो ये पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट है उसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किस प्रकार से किया जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, और ये सभी मार्केट प्राइस के आधार पर फैक्टर प्राइस क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, डिस्पोजल पर जो पर्सनल इनकम है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस प्रकार से होगा, इनकम एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड क्या है, ये राष्ट्रीय आय की गणना की जो आय विधि है, व्यय विधि है, या उत्पाद विधि है, या वैल्यू एडेड मेथड है, ये क्या है, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, इनके प्रयोग करने के माध्यम से किस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, नॉमिनल और रियल इनकम, लिमिटेशन ऑफ द जीडीपी का। तीसरी यूनिट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का चक्राकार प्रवाह, दो क्षेत्रों में, तीन क्षेत्रों में, चार क्षेत्रों, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, इसके बीच में क्या संबंध है, ग्रीन अकाउंटिंग किसे कहा जाता है। चौथी यूनिट है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेज लॉ ऑफ मार्केट, से का बाजार नियम, कीन्स ने क्या उसमें सुधार किया, आपत्तियां जताई, क्लासिकल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग, कंजम्पशन फंक्शन जो उपभोग फलन है, एवरेज और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ जो कंज्यूम है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत औसत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, ये सभी इस चौथी यूनिट में हम सब पढ़ेंगे। पांचवी यूनिट में द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर या इसमें गुणक और एलडीसी यानी विकासशील देशों में गुणक की कार्यक्षमता, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट या विनियोग के नियम, स्वतंत्र विनियोग, प्रेरित विनियोग, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत क्षमता, सेविंग इन्वेस्टमेंट एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटी, इक्वालिटी त्वरक, ये सभी पांचवी यूनिट में हम सब पढ़ेंगे। छठी यूनिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर का निर्धारण क्लासिकल थ्योरी के द्वारा, नौ क्लासिकल थ्योरी के द्वारा, कीन्सियन थ्योरी के द्वारा। सातवीं यूनिट है ISLM एनालिसिस, अर्थात जो ब्याज का आधुनिक सिद्धांत है उसका वर्णन, डेरिवेशन IS और LM वक्र का, IS और LM वक्र की जो शिफ्टिंग है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, इसका अध्ययन हम सातवीं यूनिट में करेंगे। आठवीं यूनिट में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध, फिलिप्स कर्व भी इसी में पढ़ेंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो इस प्रकार से जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध है उसका भी अध्ययन आठवीं यूनिट में करेंगे। तो सेकेंड सेमेस्टर में अर्थशास्त्र में हम सबको मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है, जो आठ यूनिट में विभाजित है।